हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे मान ज्ञात कीजिए। देखिए मान ज्ञात कीजिए किस तरह का क्वेश्चन है। 28 की पावर 3 है, यहाँ पे -15 की पावर 3 है और -13 की पावर 3 है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे सॉल्यूशन। माना क्या मानेंगे आप लोग, ए की वैल्यू 28 है, बी की वैल्यू -15 है। जितना जितना दे रखा है ये ए बी और ये सी, और सी की वैल्यू कितनी है, -13 है। ठीक है, ये सबसे पहला आप लोग काम करोगे कि यहाँ पे मान लोगे कि कितनी कितनी वैल्यू हैं। तब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, हम लोग इसे चेक करेंगे देखिए कैसे, ये सब का प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28 प्लस -15 प्लस -13। ठीक है, तो अब इसे ओपन कीजिए, 28 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर क्या आ गया 28, और ये 15 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28, तो इज इक्वल टू 0। जब इस तरह की हमें सिचुएशन मिल जाए और ये 0 आ जाए जब आपका, तो क्या करोगे, एक फॉर्मूला लगाओगे आप लोग। क्या फॉर्मूला है ये देखेंगे, फॉर्मूला होगा वो ये होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसे फॉर्मूले पे कितना कितना था, 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब, ये वाली इज इक्वल टू 3 × 28 × -15 × -13, ये वाला ABC, यहाँ ABC। तो ABC में अब क्या आ गया आपका, अब इन सब का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा आपका, 16380। ये मल्टीप्लाई जब करोगे आप लोग इसका इससे इसका इससे इसका इससे, तो 16380 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।